प्रेस द लॉर्ड दोस्तों, जोहार। और मैं सुनीत बडिंग, आपका भाई, एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं इजी खाट स्टूडियो, जो जमशेदपुर में है, यहाँ आया हूँ। और बहुत लोग जान रहे होंगे सलील दा है, सलील तिर्की, एक म्यूजिशियन है, कीबोर्डिस्ट है। आज मैं इनसे आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, जो 96 के दशक में ये देश से बाहर भी जा करके अपनी कला का प्रदर्शन किए, और आज ये हमारे सामने हैं। तो इनका खुद का स्टूडियो भी है, म्यूजिक हार्ट स्टूडियो, और यहाँ बहुत सारे प्रभु के गाने भी बने हैं। और तो आइए इनके जीवन के बारे में, इनके गवाहियों को, और अभी क्या करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। प्रेस द लॉर्ड। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपका घर कहाँ है और आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये सब बातों को आप बताएं। सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों को प्रेस द लॉर्ड यीशु मसीह, जय मसीह की। और बहुत लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम सलील तिर्की है, और मैं कीबोर्ड बजाने में, हाँ, कीबोर्ड प्लेयर हूँ, एक कीबोर्ड सिंथेसाइजर प्लेयर हूँ। और मेरे फिलहाल अभी मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, जो इस वक्त मेरे यहाँ नहीं, वो कलकत्ता ससुराल वहाँ पर रहती है, और मेरा बेटा वहीं पढ़ रहा है, अभी वो 11th में है, और जब उनका छुट्टी होता है तो वे यहाँ आते हैं, मैं भी वहाँ जाता हूँ। और फिलहाल यहाँ मेरे भाई हैं, बड़े भाई संगम तिर्की, और उनके साथ मेरी माँ रहती है, और मेरे पिताजी तो अभी नहीं हैं, और मेरे भतीजे हैं, बहन हैं, भाभी हैं, और भगना भगनी बहुत है रिश्तेदार। यहाँ हमारे बगल में मेरे बड़े पिताजी जो अभी नहीं हैं, मेरी बड़ी माँ भी नहीं है, लेकिन उनके जो परिवार वाले हैं, वे मेरे भाई हैं, छोटे भाई बहन शबनम समर, तो ये परिवार हम लोग सब एक साथ ही अगल बगल ही रहते हैं। और फिलहाल अभी मेरा काम तो ये, जैसे इन्होंने बताया कि मेरा स्टूडियो है, तो आप देख रहे हैं छोटा होम स्टूडियो है, और यहाँ रिलीजियस गाने ही हम करते हैं, कुछ एल्बम का भी काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग हम जहाँ तक करते हैं कि मसीह गाना ज़्यादा हो, लेकिन जैसा यहाँ रिक्वायरमेंट आता है, तो बहुत सा हो एल्बम है, संथाली एल्बम है, और नागपुरी एल्बम है, ये सब यहाँ हुआ है, और क्रिश्चियन एल्बम, हमारे रिलीजियस एल्बम भी बहुत सा कुछ हुआ है, जैसा क्रिस्टोफर को आप लोग जानते होंगे, उनके साथ मैं बहुत दिन रहा, उनका भी बहुत गाना मैंने बनाया, यहीं पर बनाया उनका गाना, और वो हिट भी हुआ बहुत। जैसे आपका क्रिस्टोफर हेम्ब्रम जी के साथ कौन सा गाना था, बेटा तू कहाँ, और एक संथाली एल्बम उसका बहुत ये हिट हुआ, एक ही गाना था, बिलहन बैहड़। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये गीत जरूर सुने होंगे। तो ये दोनों गाने यही स्टूडियो में बने थे, और भाई म्यूजिक दिए थे इसमें, और वो गाना बहुत हिट हुआ, और मैंने भी सुना। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कितने वक्त से आप कीबोर्ड प्लेयर हैं, और कब से शुरुआत की, और कितने दिन हो गए, ये सब हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा शुरुआत तो मैं बहुत पहले से, मतलब कि जब हम 8 या 9 क्लास में थे, तो उस समय से हम बेंजो बजाते थे पहले। अच्छा अच्छा। बेंजो बजाने के बाद में फिर स्कूल में हमको हारमोनियम बजाने का मौका मिला, हम हारमोनियम बजाने लगे। ऐसे ही करते करते मैट्रिक से पहले हम स्कूल में ही, मतलब हारमोनियम बजाते थे, फिर जब स्कूल से निकले मैट्रिक के बाद, हम ऑर्केस्ट्रा लाइन में हमको एकॉर्डियन बजाने बोला गया, हम एकॉर्डियन बजाए बहुत साल। इसके बाद में आस्ते आस्ते, मेरे पास कीबोर्ड नहीं था, हारमोनियम नहीं था, एकॉर्डियन नहीं था, सब दूसरे से लेके हम बजाते थे। तो
जिस ऑर्केस्ट्रा में गए वहाँ मुझे एकॉर्डियन बजाने बोला गया, वो भी दूसरा एकॉर्डियन था दूसरे का, उसको बजाते थे। फिर बाद में ऑर्केस्ट्रा का कीबोर्ड था, ऑर्केस्ट्रा का कीबोर्ड बजाने लगे। मेरे पास कीबोर्ड था ही नहीं, हम ऑर्केस्ट्रा का ही कीबोर्ड बजाते थे। एंड ऐसे करते करते ऑर्केस्ट्रा हमारा बहुत अच्छा, मनोरंजन ऑर्केस्ट्रा करके हमारा ग्रुप था जो काफ़ी फेमस हुआ। और उसका प्रैक्टिस हम नीचे झारखंड ऑफिस में करते थे, लेकिन शुरुआत पहले एक हमारे म्यूजिशियन थे उनके घर में होता था गोलमोरी, फिर इस घर में होने लगा। यहाँ प्रैक्टिस होता था मनोरंजन ऑर्केस्ट्रा का, फिर यहाँ से हम लोग नीचे झारखंड ऑफिस में प्रैक्टिस करने लगे। वहाँ हम लोग प्रोग्राम किए तो करीब 84 से लेकर के हम लोग 95 तक करीब हम लोग ऑर्केस्ट्रा में हम रहे। इसके बाद में हम लोग बोले नहीं यहाँ से कहीं जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से, यहाँ उतना हमारा इनकम नहीं था, कोई सोर्स नहीं था इनकम का, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से 4-5 लड़का सब सामान, अपना खाना पीने बनाने का सामान, सोने का सामान लेके सीधा बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में हम लोग भाड़ा में रूम लिए, खाना हम बनाते थे, एक लड़का झाड़ू करता था, एक लड़का खाना बनाता था, एक लड़का बर्तन मांजता था, ऐसे करके हमारा दिनचर्या चलता था। हमारे पास जो पैसा हम लोग लेके गए थे, एक एक लड़का 5-6 हज़ार रुपया, वो पैसा ख़त्म हो गया। और हम लोग स्ट्रगल करते करते करीब 6 महीना हम लोग इधर उधर भटकते भटकते, फिर एक जगह एक ऑडिशन हुआ। अच्छा। तो उस ऑडिशन में हम लोग सब गए, जिसमें हम कीबोर्ड प्लेयर थे और ये था म्यूजिशियन लोग था हम लोग सब। तो उसमें दुबई से जो आया था ये इंटरव्यू लेने के लिए, वो हम लोग को ऑडिशन देख करके हमको सेलेक्ट कर लिया। तो हम बोले हम अकेले नहीं जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद में एक और ऑडिशन हुआ केनिया का, केनिया का ऑडिशन में हम लोग 3 लड़का सेलेक्ट हो गए। तो 3 लड़का हम लोग सेलेक्ट हो गए, तो हम लोग तीनों फिर 96 में केनिया गए। फिर केनिया में हम 6 महीना रहे, फिर इंडिया आते थे 3-6 महीने के लिए, फिर केनिया। ऐसे केनिया में हम लोग करीब नैरोबी मुंबासा में बहुत दिन थे। फिर वहाँ करते करते फिर वहाँ से दुबई गए, दुबई में बहुत दिन किए, वैसे ही 6 महीना वहाँ रहते थे, 3 महीना यहाँ। फिर दुबई से फिर लंदन का हम लोग का ट्रिप आया, फिर लंदन भी हम लोग गए, फिर उसके बाद मस्कट गए, बहरीन गए, दुबई गए, ऐसा बहुत जगह मैंने बाहर में प्रोग्राम किया। बाहर में प्रोग्राम करके जब यहाँ आए, घर और बनाया, फिर मेरे साथ कुछ ऐसा ट्रेजेडी हुआ कि फिर एकदम मतलब हम जितना कमाए थे मतलब ये फिल्मी लाइन से, अच्छा, तो मतलब कि फिर हम ग्राउंड जीरो में आ गए। अच्छा। फिर हमको बॉम्बे जाना पड़ा, बॉम्बे में हम बहुत दिन स्ट्रगल किए, फिर से बॉम्बे में बहुत बहुत जगह बजाया, बहुत होटल में बजाया बॉम्बे में। बाद में फिर मेरे को एहसास हुआ एक दिन कि हम जो इतना बजा रहे हैं हम तो फिर ग्राउंड जीरो में ही आ गए, तो हमको एहसास हुआ कि नहीं हमको बजाना चाहिए ईश्वर के लिए। तब उसके बाद में फिर हम यानी मोटा मोटी ऑर्केस्ट्रा लाइन हम छोड़ ही दिए, सिर्फ रिलीजियस लाइन में चले, रिलीजियस लाइन में बजाने लगे। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन मेरे को ये हुआ कि जब ये लाइन है तो ठीक, हम ऐसा करते हैं कि और भी तो आदमी काम करता है, ये करता है, तो सब आदमी जैसा कंपनी में काम करता तो वहाँ भी तो अब यानी दूसरा रिलीजियस ये काम होता है, लेकिन आदमी तो वहाँ काम कर रहा है। अब मान लीजिए कोई कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है तो वहाँ अभी विश्वकर्मा पूजा हो रहा है, तो आदमी यानी ये कर रहा है, कर ही रहना काम, तो हम भी बोले कि काम करना है तो करना है। तो हम उस समय से डिसीजन लिए कि शादी ब्याह बर्थडे किशोर नाइट ट्रॉफी नाइट मुकेश नाइट गजल प्रोग्राम, तो ये सब प्रोग्राम फिर हम करने लगे, ये सब प्रोग्राम भी करने लगे और रिलीजियस प्रोग्राम भी करने लगे। तो ऐसा करके फिर करते करते ईश्वर से ही ऐसा हुआ कि वो हमको एक स्कूल में, अभी हम पार्ट टाइम परमानेंट एक स्कूल में हमको जॉब मिला, ये सब ईश्वर के ही यानी तो देन है। आप कीबोर्ड सिखाते हैं? हाँ, वहाँ पर हम जाते हैं, मेरा काम है सिर्फ कीबोर्ड बजाना, टीचर आती है वो लोग गाना सिखाती है, जब कोई गलती होता है कुछ ये होता है तो हम बताते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, कोई कंपटीशन हुआ या स्कूल का कोई प्रोग्राम हुआ फंक्शन हुआ तो उसमें बजाना है, बच्चों लोगों को सिखाना है, ये सब होता है। तो जैसे दादा बता रहे हैं कि फिल्मी दुनिया से मतलब फिल्मी गीतों को बजाते 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 एक दिन
ऐसा हुआ कि बहुत दिनों तक होटल में बजाए, होटल के बाद फिर वहां से बहुत पैसा कमाए, उसके बाद फिर अभी देखे कि उसमें भी कुछ आशीष नहीं, कहने का मतलब कुछ नहीं, फिर ये आगे फिर अभी स्टूडियो में काम कर रहे हैं और इनके साथ साथ स्कूल है, इन स्कूल में जाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं और वहाँ बच्चों लोगों को सिखाते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप अपने पर्सनल कुछ ऐसे गवाह जो प्रभु से एक जुड़ने का एहसास, ऐसा कुछ जो मतलब परमेश्वर की ओर आपको खींचा, कुछ ऐसी बातें हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ऐसा है कि जब से हम ऑर्केस्ट्रा लाइन में, होटल लाइन में जब गए और बाहर गए, जैसा आप लोगों को बताया कि मेरे साथ ट्रेजिडी हुआ, फिर हम ग्राउंड जीरो में आ गए और ऑर्केस्ट्रा लाइन का गाना मेरे को कम से कम उस समय जब हम फुल फॉर्म में ऑर्केस्ट्रा लाइन में बजा रहे थे कम से कम 5000 गाना मेरे को याद था बाय हर्ट। रफ़ी, लता, किशोर, मुकेश, जगजीत सिंह, गुलाम अली, हेमंत कुमार, आशा भोसले, सबका, मुकेश, इन सब का गाना मेरे को पूरा म्यूजिक याद था। ऐसा था कि जमशेदपुर में अगर कोई बोले कि कीबोर्ड प्लेयर अगर पुराना गाना का कहीं ये है तो सलील को बोलो, तो हम जाते थे। फिर बाद में देखे कि इसमें मेरे को कोई ये नहीं हो रहा, तो जब हम रिलीजियस लाइन में आए इसके बाद में बहुत अपना भी प्रेयर करने हुआ, फिर पर्सनली जब हमको एहसास हुआ कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, ये आज तक हम जो भी देख रहे हैं इसमें हो सकता बहुत जन म्यूजिशियन होंगे, वो सुनने वाले और बजाने वाले होंगे, गिटार, पेड, ऑर्गन, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, चाहे आप हमसे बड़े हो, हमारे एज के हो या हमसे छोटे हैं, जो भी आप देख रहे हैं उनको मैं आप एक ये गवाही देना चाहूँगा आपको कि जब से मैं प्रेयर करना चालू किया तो मेरे को एक ये आया कि हम तो ऑर्केस्ट्रा बजाते थे, जाते थे गाना बजाना चालू करते थे, हम चर्च में भी जाते थे, चर्च में भी बजाया, रिलीजियस गाना बजाया, रिलीजियस ये किए, लेकिन क्या हम जो ईश्वर जो ये हम लोग को गिफ्ट दिया है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, गाना बजाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। अगर आप कीबोर्ड प्लेयर हैं या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं तो आप 100 आदमी का भीड़ में देखिएगा तो आपको कीबोर्ड प्लेयर बहुत कम नज़र आएगा, या कोई भी म्यूजिशियन सिंगर आपको 100 में से 100 मिल जाएगा, लेकिन आपको कीबोर्ड प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कम मिलेगा। तो ये जो गिफ्ट है ये बहुत अनमोल गिफ्ट है। तो हम जो सुबह उठते हैं या ये करते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ईश्वर इतना बड़ा गिफ्ट दिया, किस लिए दिया, अपनी महिमा के लिए। हम पर्सनल उसको अपनी महिमा के लिए कभी बजाते हैं, नहीं बजाते हैं, नहीं करते हैं, कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन एक दिन एहसास हुआ मेरे को और उसके बाद से हम जब भी उठते हैं सुबह, जितना बजे भी हम उठे और कहीं भी हमको जाना है तो सबसे पहले हम कीबोर्ड निकालेंगे, पहले उसका वर्शिप अपना पर्सनली हम अकेले उसके लिए करते हैं, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, उसके लिए पहले एक गाना गाएंगे, तभी जाकर के हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे, निकलेंगे, ऐसा ये हुआ। उसके बाद ईश्वर मेरा बहुत पहले जब हम स्टूडियो में भी बहुत स्टूडियो रांची में ब्लू पापा के यहाँ, पुरलिया में माइटी दा के यहाँ बहुत हम रिकॉर्डिंग किए, उस समय हम सोचे थे कि जमशेदपुर में उस समय एक भी रिकॉर्डिंग रूम नहीं था, रिकॉर्डिंग रूम नहीं था, तो हम सोचे थे कि हमारे जमशेदपुर में हम एक स्टूडियो खोलेंगे, लेकिन मेरा ऐसा ट्रेजिडी हुआ नहीं हो पाया, लेकिन आज वही ये मेरे घर में, आज जो हम चाहते थे कि मेरा घर में अपना एक स्टूडियो होगा, मेरा अपना एक स्टूडियो हुआ, ईश्वर दिया मेरे को अच्छा एक जॉब दिया जो मेरे लायक है, कि हम मेरा पार्ट टाइम जॉब है, हम स्कूल करते हैं फिर अपना प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम भी कर पाते हैं, स्कूल में मेरा ऐसा फैसिलिटी है कि मेरा बाहर का प्रोग्राम रहेगा तो हमको छोड़ देता है, तो यही मेरा गवाही है। हमारे दर्शक हैं जो बहुत सारे लोग कीबोर्ड सीखना चाहते हैं और जो लर्निंग कर रहे हैं कीबोर्ड में, जो सीख रहे हैं पर उन्हें समझ नहीं आता, तो वैसे हमारे दर्शकों को आप कुछ कीबोर्ड में कुछ सलाह ऐसा कुछ देना चाहते हैं तो बता दीजिए। देखिए, जो भी नए सीख रहे हैं और जो थोड़ा भी बजाते हैं, अभी आप जितना भी बजा लीजिए आप कम है, हम जितना भी बजा लेंगे कम है, हम मैंने पूरा नहीं बजा पाएंगे, इन्हें उतना बोलते हैं कि संगीत एक ऐसा चीज़ है आप जितना करते जाइए आप उसका अंत नहीं है। जितने भी लोग सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं, जो हमको देख रहे हैं, जो बजाते हैं,
और जो सीख रहे हैं उनको यही बोले हैं कि जो मसीह में है ईश्वर के लिए पहले बजाइए। आप चाहे जो दो लाइन भी बजाने जानते हैं आप पहले ईश्वर के लिए बजाइए और उससे मांगिए कि हमको ज्ञान दीजिए, सिखाइए, वो आपको सिखाएगा। जब ईश्वर आपको सिखाएगा तब आपको ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि कैसा। लेकिन हाँ, ईश्वर के लिए आप पहले देंगे समय तो वो आपको फिर जरूर देगा। आपको आजकल तो नेट का ज़माना है, आप जैसे जैसे आप खोजेंगे, जो एक्सरसाइज खोजेंगे वो आपको मिलेगा। और किसी से अगर गाइडलाइन होगा, कभी हमसे पूछिएगा तो हम आपको जब बोलिएगा मेरा नंबर हम दे देंगे, हमको जब बोलिएगा, जैसे व्हाट्सअप बोलिएगा व्हाट्सअप, हम आपको बताएंगे कैसा लेसन को प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, क्या मेहनत करना चाहिए, किस चीज़ में ज़्यादा मेहनत। आप जो नया सीख रहे हैं ये नहीं कि आज हम बजाए कल ही हम गाना बजाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए मेहनत करना होगा, उसको प्रॉपर ढंग से सीखना होगा। नहीं, हमको सीखना है तो सीखना है, इसके लिए पहले ईश्वर से ही, जो क्योंकि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो ईश्वर का, आप तो जानते ही होंगे लूसीफर उसका महिमा करता था, उसका वर्शिप करता था, वो कितना बड़ा म्यूजिशियन था, तो म्यूजिक का कितना ज्ञान है। तो हम लोग ईश्वर तो लूसीफर को बनाया, उसको गिराया, तो वो तो और आपको उससे ज्यादा ज्ञान और अच्छा ज्ञान देगा जो हम लोग। तो इसके लिए आपको परमेश्वर से मांगना होगा और ऐसा रुचि मांगना होगा कि जिससे हम लोग मेहनत कर पाए। हाँ, सीखने के लिए। हाँ, तो और कुछ ऐसे टिप्स देना चाहते हैं तो? और टिप्स में जैसा अभी आप कोई गाना को सुन रहे हैं, आप एक बार सुनिएगा और उसको अगर उठा करके बजाना चाहेंगे, हो सकता है उसमें आप कुछ बजा पाए, जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो सुन करके बजाने का कोशिश करते हैं वो सेम चीज़ को। तो आप कान आपका जितना शार्प होगा आप उतना अच्छा म्यूजिशियन बनेंगे। और आपको कान शार्प करना होगा सुनने का, कि जैसा एक ट्यून बज रहा है कुछ भी, उस ट्यून को आप एक बार सुने और उसको ध्यान से सुनिए, उसमें ध्यान लगाइए और उसके बाद वही चीज़ को आप एक बार में उस रीड को खोजने की कोशिश कीजिए कि हम उसको खोज पा रहे हैं कि नहीं। एक बार सुन करके एक बार में होगा, आपसे नहीं होगा पहले, लेकिन आस्ते 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 जब आपको पता चल जाएगा, पता होते जाएगा वो, आपको ज्ञान कान जब शार्प होते जाएगा आप उसको करने लग जाएंगे। फिर एक्सरसाइज तो आपको मिलता है, एक्सरसाइज कभी भी छोड़िए मत, वो बुनियादी चीज़ है। क्योंकि आपका जब तक आप बुनियादी चीज़ एक्सरसाइज जो नहीं करेंगे लेसन, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका हाथ बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन आप गाना बजा ले रहे हैं सुन के उठाए, हाँ गाना कोई भी बोला आप बजा ले रहे हैं आप, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कोई आपसे पूछ देगा कि ये क्या थ्योरी है, किस हिसाब से बजाए, क्या स्केल है, कैसे करके बजा, तो आपको अगर नहीं मालूम होगा बेसिक तो आप नहीं बता पाएंगे उसको। अब बाद में जब आप बड़े होंगे तो आपसे आपका छोटा वाला पूछेगा कि ये कैसे है, थोड़ा सा बताइए समझाइए, तो आपको उस समय प्रॉब्लम होगा। और जब बड़ा स्टेज में आप करने जाएंगे तो आपको उस समय, तो इसलिए अगर मान लीजिए आप बजा रहे हैं गाना, बजाने जान गए हैं, तो उसका बेसिक अगर नहीं जानते तो पहले बेसिक को सीखिए, और बेसिक सीखने के बाद तो आपको, लेकिन ये सबसे पहले ईश्वर से आपको मांगना जरूरी है, उसके लिए महिमा करना जरूरी है। तो मैं सजिलदा का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्रोग्राम के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर और आप लोग रिकॉर्डिंग हो या फिर कीबोर्ड सीखने के पर्पस से हो या फिर कोई भी ऐसा सलाह आप ले सकते हैं।